नमस्कार मेरे दोस्तों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आई होप कि आप सभी लोग मजे में होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये वाला वीडियो देखने के बाद में हो जाओगे, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मुंबई में एक शूट चल रहा है, तो उस शूट से रिलेटेड जानकारी बताने वाला हूँ। 6 सितंबर को बुया डे 2023 का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी बताऊंगा। एंड बीआर रैंक सीजन 35 1 सितंबर को आने वाला है ना, तो रैंक गेम के अंदर क्या क्या नए नए चेंजेस होने वाले हैं सारी जानकारी बताऊंगा। एंड रेड डैमेज भी रिटर्न आ चुका है, तो उसका सिस्टम भी बताने वाला हूँ। और यार, अभी रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो बहुत सारे प्लेयर बोल रहे थे कि भाई रक्षाबंधन का इवेंट क्या हमारे गेम में आने वाला है, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको मुझे रक्षाबंधन विश करना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो इसी टाइप की और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में, जिन्हें देखने पर आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो यार, अब मैं आपको बुया डे 2023 इवेंट की बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। और सच में इस बार बुया डे इवेंट के दौरान हमको बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बुया डे 2023 का इवेंट कितनी तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो उसका आंसर ये है कि रैंपेज इवेंट 5 सितंबर को खत्म होने वाला है, उसके जस्ट एक दिन के बाद में बुया डे 2023 का इवेंट हमारे गेम में स्टार्ट होने वाला है। और इस बार बुया डे इवेंट के दौरान दो थीम के इवेंट हमारे गेम में आने वाले हैं। पहला है पोटेंशियल की थीम, और पोटेंशियल की थीम के सारे रिवॉर्ड हम लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। और दूसरी थीम है डेमोन स्लेयर की, क्योंकि ये देखो बुया डे 2023 जो इवेंट आने वाला है ना, ये है उसका पीएनजी का सेट, और इस सेट में डेमोन स्लेयर के जो बंडल है उनके पीएनजी का आइकॉन मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि बुया डे इवेंट के दौरान पोटेंशियल की थीम और डेमोन स्लेयर की थीम दोनों के रिवॉर्ड हमारे गेम में आने वाले हैं। तो इनमें कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे वो बताने से पहले फिर से हम लोग इस पीएनजी के सेट पर एक झलक डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक बड़ा जान का जोम्बी दिखाई दिया। तो ये जोम्बी क्या है आपको पता है? शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब एडवांस सर्वर आया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग बैटल रॉयल गेम खेलेंगे और जैसे ही मैप ओपन करेंगे कुछ जगह पर हमको ईगल का आइकॉन देखने मिलेगा। जैसे ही उस वाली लोकेशन पर जाएंगे ईगल को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, देन उसके बाद में एक बड़ा जान का जोम्बी आएगा। जैसे हम लोग उस जोम्बी को मारेंगे हम लोगों को बहुत सारी लूट मिलेगी। तो ये वाला जोम्बी हमको बुया डे इवेंट के दौरान ही देखने मिलने वाला है। तो चलो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पोटेंशियल की थीम और डेमन स्लेयर की थीम पर हमें कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आइए देखते मजा आएगा। यार देखिए, यही है पोटेंशियल थीम के रिवार्ड जो कि बुया डे इवेंट के दौरान हमारे गेम में आने वाले हैं, जिनमें से 90% रिवार्ड हमें फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इनमें से कौन सा रिवार्ड किस इवेंट के दौरान हमें फ्री में मिलने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ये वाला मेल का बंडल, जिसका नाम है स्टेपल वंडरर बंडल, और जो दूसरे नंबर पर आता है फीमेल का बंडल, उसका नाम है एसेंशियल एक्सप्लोरर बंडल। तो लीक ऐसी मिली है कि ये दोनों बंडल हमें योर पोटेंशियल इवेंट के दौरान फ्री में मिलने वाले हैं। और मुझे तो लगता है बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों बंडल के डिजाइन बहुत ही बेसिक लेवल पर की गई है और मैंने वेरीफाई भी किया। तो बुया डे इवेंट के पीएनजी के सेट में मेरे को ये वाला आइकॉन मिला, और ये देखो ये वाला आइकॉन है योर पोटेंशियल इवेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे गेम में बुया डे 2023 का इवेंट आएगा और जैसे इवेंट के इंटरफेस में हम लोग इंटर बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में योर पोटेंशियल इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें स्टार टोकन कलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर देखो 60 स्टार टोकन कलेक्ट करने के बदले में पिछली बार हमें फीमेल का बंडल फ्री में मिल रहा था, सेम उसी टाइप से इस बार हमें मेल का बंडल या फिर फीमेल का बंडल इस योर पोटेंशियल इवेंट के दौरान मिलने वाला है। एंड योर पोटेंशियल इवेंट जो आता है इसके रिवॉर्ड यहीं खत्म नहीं होते, लीडरबोर्ड पर जैसे जाते हैं उसके बाद में एक लेजेंडरी आइटम भी हमें मिलता है। तो योर पोटेंशियल इवेंट आने वाला है ये तो 100% कंफर्म हो ही गया है। अब मैं आपको अगले रिवॉर्ड बता देता हूं। तो ये देखो ये है बिजोन गन की स्किन और G36 गन की स्किन। तो लीक ऐसी मिली है कि ये दोनों गन की स्किन भी हमें फ्री में मिलने वाली है। बिजोन गन के एट्रीब्यूट्स में रहेगी एक्यूरेसी रहेगा डबल प्लस, मूवमेंट स्पीड रहेगी सिंगल प्लस, और रिलोड स्पीड रहेगी सिंगल माइनस। और G36 गन की स्किन में एक्यूरेसी रहेगी सिंगल प्लस, रेंज रहेगी सिंगल प्लस, और रिलोड स्पीड रहेगी सिंगल माइनस। उसके बाद में आता है बैकपैक, जिसका नाम है अनलॉफुल बैकपैक, और ये जब लेवल 3 का रहेगा ना, इस बैकपैक के पीछे से पैसे गिरते रहेंगे। काश ये वाला बैकपैक रियल लाइफ में मिल जाता, मजा आ जाता, पर ऐसा होगा नहीं। चलो छोड़ो, हम लोग अपने नेक्स्ट रिवॉर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ये है ग्रोजा गन की स्किन जो कि इवोल्यूशन ग्रोजा है, इसे लेवल 7 तक हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो 10 तारीख को हमें एक फेडेड व्हील देखने मिलेगा, जिसमें हमको इवोल्यूशन ग्रोजा देखने मिल जाएगी, और इसके एट्रीब्यूट्स में रहेगा रेट ऑफ फायर रहेगी डबल प्लस, डैमेज रहेगा सिंगल प्लस, और मूवमेंट स्पीड रहेगी सिंगल
लेवल माइनस। बहुत ही खतरनाक ये वाली ग्रोजागन की स्किन होने वाली है, साथ ही में लेवल 7 करने पर ये वाला इमोट मिलने वाला है, और ये वाली पेन की स्किन और ये वाला लूट बॉक्स। जब फेडेड व्हील आएगा उसी में हम लोगों के दोनों रिवार्ड देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों लीक ऐसी भी मिली है कि इवोल्यूशन बुया बंडल वो भी रिटर्न आने वाला है, वो तो कंफर्म है ही। साथ ही में पिछले साल बुया की थीम के जो भी लेजेंडरी रिवार्ड है वो भी रिटर्न आने वाले हैं। तो यार अभी मैंने आपको जितनी भी जानकारी बताई वो पोटेंशियल की थीम की थी, लेकिन डेमन स्लेयर की थीम के रिवार्ड भी बुया डे इवेंट के अंतर्गत हमारे गेम में आने वाले हैं। तो उनमें कौन कौन सा बंडल फ्री में मिलेगा सारी जानकारी मैंने ये वाला जो थंबनेल देख रही हो ना इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर के देख लेना कि डेमन स्लेयर की थीम के कौन कौन से रिवार्ड हमें फ्री में मिलने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जानकारी की ओर। मजा आया यार। अब मैं आपको बहुत ही मस्त और कड़क वाली जानकारी बताने वाला हूँ, क्योंकि आज ही प्ले स्टोर पर फ्री फायर मैक्स में 66 MB का एक अपडेट आया है। तो इस अपडेट से हमारे गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चेंजेस तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा पहले डैमेज इंडिकेटर का प्रॉब्लम आ रहा था उसे गरीना फ्री फायर ने ठीक तो कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को एक प्रॉब्लम दिख रही है। बॉडी शॉट मार रहे हैं येलो कलर का आ रहा है वो तो एकदम चकाचक क्लियर दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग हेड शॉट मारते हैं डार्क ऑरेंज कलर का आ रहा है तो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है कि कितने का डैमेज पड़ा। गेम के दौरान हम लोग जल्दी से जज नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। मुझे लगता है कि ये जो डार्क ऑरेंज कलर का सैचुरेशन है ये ग्रीन फ्री फायर ने बहुत कम रखा है, इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ताकि हमें क्लियर दिखने लगे। बाकी ये वाला अपडेट तो बहुत मस्त है। तो ये है पहला चेंजेस जो कि आपको पता था। अब मैं आपको दूसरा चेंजेस बताने वाला हूं जो कि रिलेटेड है BR Rank सीजन 35 में गेम के अंदर होने वाले चेंजेस से, क्योंकि 1 सितंबर को BR Rank का सीजन 35 आ रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमारे गेम में होने वाले हैं। तो रैंक गेम के अंदर पहला चेंजेस ये है कि जैसे हम लोग हीरोइक पर जाते हैं तो हीरोइक जैसे 2-स्टार होगा, उसके बाद में जो अगली रैंक आएगी ना वो आएगी इलाइट हीरोइक, और मास्टर का भी वैसा ही है। जैसे हम लोग मास्टर में 2-स्टार पर चलाएंगे उसके बाद में इलाइट मास्टर आ जाएगा, और जैसे ही इलाइट हीरोइक या फिर इलाइट मास्टर पर जाएंगे तब हमको रैंक प्रोटेक्शन कार्ड्स भी मिलने वाले हैं। अब मैं आपको दूसरा अपडेट बता देता हूं। तो क्या होगा BR Rank सीजन 35 के दौरान जैसे हम लोग रैंक गेम खेलेंगे तो जैसे हम लोग एरसेनल पर जाएंगे तब हमको वहां पर लेवल 3 की MP5 अपग्रेड हुई मिलेगी, लेवल 4 का वेस्ट मिलेगा, और मेडिकेट इनहेलर ये जो 4 आइटम अभी मैंने आपको बताया इनकी संख्या एरसेनल में गरीना फ्री फायर बढ़ाने वाला है। दूसरा चेंजेस ये है कि जो सोलो डेयर रिवाइवल सिस्टम है गरीना फ्री फायर उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ाने वाला है। मान लेते हैं जैसे आप लोगों ने कार्ड परचेस किया उसके बाद में आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा अपने दोस्त को रिवाइव करने में, और जो रिवाइवल पॉइंट रहता है ना, मान लेते हैं किसी एक बंदे ने यूज कर लिया उसके बाद में जो दोबारा रीएक्टिवेट होता है ना रिवाइवल पॉइंट, उसका भी टाइमिंग गरीना फ्री फायर थोड़ा बढ़ाने वाला है। तो ये थे कुछ चेंजेस, आई होप आप लोगों को पता चल गए होंगे। अगर आपको और कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जानकारी की ओर। एंड यार अब मैं आपको फ्री फायर कमबैक फ्री फायर अनबैन की बहुत ही जबरदस्त वाली जानकारी बताने वाला हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज बहुत ज्यादा वायरल जा रही है जिसमें केली हयातो मैक्सिम मुंबई में इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे कि ये देखो मैक्सिम लोकल ट्रेन में सफर कर रहा है, केली गुपचुप खा रही है और मैक्सिम वड़ा पाव खा रहा है, ये वाली फोटोज वायरल हो रही है। और कुछ इन्फ्लुएंसर एंड इंस्टाग्राम की न्यूज पेजेस वाले ऐसा बोल रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया में कमबैक होने वाला है, उसी से रिलेटेड शूटिंग चल रही है। लेकिन मुझे बात अंदर से ये पता चली है कि कोई शूटिंग नहीं चल रही है। गरीना फ्री फायर की PR टीम इंडिया में हाइप बढ़ा रही है क्योंकि वो लोग रिटर्न आना चाहते हैं क्योंकि फ्री फायर अनबैन होने वाला है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी गरीना फ्री फायर वाले न्यूज वाले को ये बता रहे हैं कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, उससे रिलेटेड हाइप बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि गरीना फ्री फायर कभी भी बम फोड़ सकती है कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है। हमको कभी भी न्यूज में ये देखने मिल सकता है कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है। तो ये वाली न्यूज सुनकर के तो मेरे को मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हाँ, जो भाई पूछ रहे थे कि भाई रक्षाबंधन का इवेंट क्या हमारे गेम में आने वाला है, तो देखो गरीना फ्री फायर ने रक्षाबंधन के लिए कोई भी स्पेशल आइटम डिजाइन तो नहीं किया है, लेकिन एक साल गरीना फ्री फायर ने राखी का इवेंट हमारे गेम में दिया था। एक छोटा सा इवेंट आया था जिसमें कस्टम रूम कार्ड वगैरह मिला था, तो वैसा इवेंट आ सकता है। या फिर गरीना फ्री फायर वाले अपने इंस्टाग्राम पर विश कर सकते हैं, हो सकता है कि रिडीम कोड वगैरह भी दे दे। अब देखते हैं गरीना फ्री फायर इसे कैसे सेलिब्रेट करता है। बट मेरे को जो जानकारी पता चली थी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो यार मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब इंजॉय करो, खूब सेलिब्रेशन करो एंड अपना ख्याल जरूर रखिएगा।